राजस्थान में एक बार फिर हिस्ट्री शीटर और बदमाशों पर एक्शन लिया गया है। सोमवार को लूणकरणसर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्ग दानाराम उर्फ दानिया का घर तोड़ दिया गया, जो उसके पिता के नाम पर था। इसे अवैध बताते हुए जेसीबी चलाई गई। बता दें कि दानाराम पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। दरअसल लूणकरणसर के वार्ड संख्या 2 में बने इस मकान को तहसीलदार ने अवैध माना है। लूणकरणसर थाना पुलिस के साथ कालू जामसर और महाजन थाने की पुलिस भी इस मौके पर तैनात की गई। 4 थानों के थानाधिकारी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद जेसीबी ने सुबह 8 बजे ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। जगदीश जाट के घर से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। सामान निकालने के बाद समय पर कार्रवाई की गई। बीकानेर में हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई का सिलसिला अभी चल रहा है। कुछ 5 हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई के लिए प्लानिंग भी बनाकर तैयार की गई है और आने वाले दिनों में उनके घर पर भी जेसीबी चलाई जा सकती है। हालांकि इससे पहले संबंधित विभाग से मकान व जमीन का सही स्टेटस मंगवाया जाएगा। किस संदर्भ में हो रही है यहाँ पे? ये पुलिस मुख्यालय माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जो रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय अपराधी दानाराम, उसके घर पर प्रशासन द्वारा अवैध मकान निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पूर्ण पुलिस जाब्ता तैनात है। ये 50,000 का इनामी अपराधी है। इसके विरुद्ध लगभग 8 से 10 मुकदमे हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई की। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश बोरा
ये दृश्य हम आपको बता रहे हैं लूणगंज सर का है, और अभी हम फिलहाल हैं जो दानाराम सियाह के घर के पास खड़े हैं। बड़ी संख्या पुलिस फोर्स आई यहाँ पे आई हुई है।